बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि सिर दर्द का अनुभव तो हमने किसी न किसी रूप में किया होगा, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार सिर दर्द के 250 से ज्यादा कारण हैं। यह पेट में गैस और एसिडिटी की समस्या से लेकर टेंशन, दांतों में दर्द, आंखें कमजोर होने, सर्दी जुकाम, माइग्रेशन, मिर्गी या सिर में आंतरिक चोट जैसे अन्य बहुत से कारणों से हो सकता है। लेकिन इसका भयानक रूप ब्रेन में ट्यूमर और कैंसर भी हो सकता है। जी हाँ, हम आम लोगों को मिर्गी और सिरदर्द के उपचार के लिए जागरूक करने और इसे गंभीरता से लेते हुए बार बार होने वाले सिरदर्द की जांच और उपचार करवाने की सलाह न्यूरोलॉजिस्ट देते हैं। न्यूरोलॉजी में विभिन्न प्रकार के सिरदर्द, मिर्गी, स्ट्रोक, माइग्रेन, वर्टाइगो, पार्किंसन, न्यूरोपैथी, ब्रेन हेमरेज, डिमेंशिया जैसे रोगों का इलाज होता है। विशेषज्ञों के अनुसार लगभग 10% आबादी न्यूरोलॉजी से संबंधित किसी न किसी रोग से पीड़ित है। समय पर ध्यान नहीं दिया जाए तो बाद में ये बड़ी परेशानी का सबब बन जाता है। जयपुर के सीके बिरला हॉस्पिटल में इन रोगों के बढ़ते केसेज के मद्देनजर मिर्गी यानी एपिलेप्सी और सिरदर्द यानी हेडेक क्लिनिक शुरू किया गया है। डायरेक्टर न्यूरो साइंसेज विभाग के डॉक्टर अंजनी कुमार शर्मा ने बताया कि पूरी दुनिया में मिर्गी से 5 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित है। एपिलेप्सी और हेडेक, इन दोनों के से संबंधित रोगी इसमें काफी परेशान रहते हैं, क्योंकि उनको एक ही जगह पूरी जानकारी नहीं मिल पाती और हर जगह इसका अलग अलग टेस्ट कराने में, अलग अलग कंसल्टेशन में इसका कॉस्ट काफी बढ़ जाता है। तो इसमें ये जो कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है जो सीके बिड़ला हॉस्पिटल ने लॉन्च किया है पैकेज, वो काफी रियायती दरों पे सारे टेस्ट एक साथ उपलब्ध हो पाएंगे। तो इस वजह इसी एम के साथ एपिलेप्सी और हेडेक दोनों सेपरेट पैकेज इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें इस रोग से संबंधित सारी जानकारी, सारा जो जांच है वो सब एक साथ संभव हो पाएगा। तो माइग्रेन में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी होती है, किसी को 5 बार महीने में होता है, किसी को 1 बार महीने में, साल में 1 बार होता है। तो कुछ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होते हैं, तो लाइफ स्टाइल जैसे सबसे बड़ी लाइफ स्टाइल मोडिफिकेशन होना चाहिए। माइग्रेन हमेशा नींद नहीं आने से होता है, खाना नहीं खाने से होता है, या स्ट्रेस होता है, धूप से हो जाता है, या खुशबू से, बदबू से, इन चीजों से होता है। तो अगर अपन ट्रिगर अगर फैक्टर को अगर आइडेंटिफाई कर लिए तो सबसे पहले हम उनको दूर करते हैं। पर नहीं जब सिंपल सी दवा उनको पैरासीटामोल देते हैं, बड़े जब साइड इफेक्ट भी कम करती है, उनको बोलते सप्ताह में 1 बार ये गोली लेनी पड़ती है, तो आपको बेटर इलाज है। जनटीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।